तो दोस्तों, इससे पहले हमने 12,000, 15,000, 20,000 रुपए में आने वाले गेमिंग फोन्स के ऊपर बात की है, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि भाई 10,000 के नीचे एक गेमिंग फोन की उम्मीद रखते हैं, और उन्हीं के उम्मीद के ऊपर हम आज रोशनी डालेंगे। नहीं, ये वाली रोशनी नहीं, ये वाली रोशनी डालेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10,000 के नीचे चार बेस्ट गेमिंग फोन बताऊंगा, जिनमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और आप 4K में वीडियो शूट कर सकते हो, 40 FPS में काफी अच्छी गेमिंग हो जाती है, और भाई 33 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलता है। तो भाई गेमिंग के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिल रहा है, तो चलो फिर देखते हैं कौन से ये चार फोन। तो बात करते हैं अपने लिस्ट के सबसे पहले फोन की, जो की है पोको C55। अब इस फोन में आपको 6.71 इंच का एक HD+LCD डिस्प्ले मिलता है। HD+ थोड़ा डाउनग्रेड लगता है ना आजकल, FHD+ तो देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, तो डिस्प्ले में ये थोड़ी सी कमी लगी, लेकिन इसमें आपको MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर मिलता है। वैसे हमारे लिस्ट के सारे फोन में यही प्रोसेसर होने वाला है। अब ये प्रोसेसर आपको 10,000 के नीचे 40 FPS में गेमिंग अलाउ करता है। एक और दिक्कत है कि इसमें आपको EMMC की स्टोरेज मिलती है, EMMC 5.1। देखो, जो UFS की स्टोरेज मिलती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है अगर हम कंपेयर करें EMMC स्टोरेज से, और जितनी फास्ट स्टोरेज टाइप होगी उतना आपके एप्लीकेशन फास्ट लोड होते हैं। तो यहाँ पर एक और नेगेटिव पॉइंट ऐड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा, आप अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते। नहीं, आप 40 FPS में अच्छी गेमिंग कर सकते हो, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, और ऐसा है कि इससे बेटर आपको मार्केट में ऑप्शन और कुछ मिलेंगे भी नहीं। फोन के बैक साइड में आपको दो कैमरास मिलते हैं, 50 MP+2 MP, जिससे आप 1080p 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो अगर जरूरत है तो, वरना ऐसे ही किसी का मत रिकॉर्ड कर देना। और 5 MP का कैमरा है, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कैमरा से, 10,000 के नीचे ठीक है, डिसेंट कैमरा, और यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, और वही पुराने जमाने का आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। लेकिन एक जो काफी अच्छी बात है, इसमें आपको 6GB+128GB वेरियंट 10,000 रुपए का मिलता है, तो रैम अच्छा है और स्टोरेज भी आपको काफी बढ़िया मिल रही है। फिर लिस्ट का जो दूसरा फोन है वो है Moto G31। थोड़ा सा पुराना फोन है, लेकिन काफी अच्छे स्पेक ऑफर करता है। एक टाइम पे 12,000 के ऊपर मिलता था, लेकिन अभी 10,000 के नीचे मिलता, और इसकी एक जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि आपको 10,000 के नीचे ये एमोलेड डिस्प्ले ऑफर करता है। 6.4 इंचेस का इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है आपको। हाँ, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज ऐसा कुछ रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, लेकिन आपको इसमें परफॉर्मेंस सेम मिलती है पहले फोन की तरह। आपको MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर दिया है, यहाँ पर भी आप 40 FPS में गेमिंग कर सकते हो, और यहाँ पर भी वो नेगेटिव पॉइंट आता है, आपको EMMC की स्टोरेज मिलती है। भाई UFS 2.1 की तो दे देते। ओवरएक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। इस फोन के बैक साइड में आपको 3 कैमरास मिलते हैं, 50 MP+8 MP+2 MP, जिससे 1080p 30 FPS में आप वीडियो शूट कर सकते हो, और आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। पहले वाले से इसका कैमरा मुझे अच्छा लगा, और यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी दी है, 18 वाट का चार्जर मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और इसका 6GB+64GB वेरियंट 9,500 रुपए में मिलता है। तो मुझे 10,000 के नीचे ये काफी अच्छा फोन लगा, में डिस्प्ले अच्छा मिल रहा है और परफॉर्मेंस भी सही है, कैमरा भी ठीक है ओवरऑल, तो काफी एक ऑलराउंडर टाइप की कैटेगरी में इसको हम डाल सकते हैं। इसके बाद तीसरे फोन की कहानी भी बिल्कुल ऐसी है, मतलब बुरी नहीं, अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एमोलेड पैनल मिलता है। हम बात कर रहे हैं इन्फिनिक्स नोट 12i स्मार्टफोन की, जिसमें आपको 6.7 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक एमोलेड पैनल है, और सेम यहाँ पर भी आपको MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर मिलेगा, और सेम यहाँ पर भी आपको EMMC की स्टोरेज मिलेगी। ये भगवान क्या जुलूम है, क्योंकि यार इस फोन में भी आप 40 FPS में गेमिंग कर सकते हो, और आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। फोन के बैक साइड में आपको दो कैमरास मिलते हैं, 50 MP+2 MP और 8 MP का सेल्फी कैमरा है। दोनों कैमरा से, फ्रंट और बैक कैमरा से, आप 2K 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। 15,000 तक इन्फिनिक्स का कोई भी फोन उठा लो, आपको वहां पर वो लोग 2K में वीडियो रिकॉर्डिंग देते ही देते हैं। इसके बाद एक और जो अच्छी बात मुझे लगी कि आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी तो मिल रही है, साथ में 33 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है, जो कि इस प्राइस पे बहुत ही बड़ी बात है, और आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और प्राइस की बात करें तो इसका 4GB+64GB वेरिएंट आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं लिस्ट के लास्ट फोन की, जो कि है Moto G13। अब ये फोन हाल ही में लॉन्च हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां और कुछ खूबियां, मतलब ये नया लॉन्च हुआ है तो कुछ नई चीजें मिलती है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जैसे कि पहले फोन में हमें HD+ मिल रहा था, यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन एक चीज उसमें नहीं थी, वो चीज आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है, वो है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर, तो यहाँ पर भी है, आप 40 FPS में गेमिंग कर सकते हो, और ये MMC की स्टोरेज है। कौन बोला,
तो इसमें आप 40fps में गेमिंग कर सकते हो अगर आप BGMI वगैरह खेल रहे हो। और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें आपको नई चीजें मिलती है, जैसे कि Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तो लेटेस्ट OS के साथ ही फोन आपको मिल रहा है क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली। साथ में एक और ऐसी चीज है जो कि भाई मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी, इसमें आपको तीन कैमरास मिलते हैं बैक साइड में, 50 megapixel प्लस 2 megapixel प्लस 2 megapixel। अब वो 2 megapixel के दो फालतू साइड में रखो, लेकिन इसमें आपको मेन कैमरा में 4K 30fps तक वीडियो शूट करने का ऑप्शन मिलता है। भाई मतलब 10,000 रुपए में एक ऐसा फोन मिल रहा है आपको जिसमें आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 20,000 रुपए वाले भाई 1080p में वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दे रहे। बाकी 8 megapixel का आपकी सुंदर मुकड़े की सेल्फी लेने के लिए सेल्फी कैमरा मिलता है, 5000mAh की बैटरी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, और प्राइस की बात करें तो 4GB प्लस 128GB वेरिएंट आपको 10,000 का मिल जाता है। तो दोस्तों ये थे अपने 4 बेस्ट गेमिंग फोन जो 10,000 के नीचे आप परचेस कर सकते हो। इनको परचेस करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, देखो गेमिंग हम बोल रहे हैं लेकिन ये गेमिंग फोन नहीं है, मतलब कि आप इसमें ऐसी गेमिंग कर सकते हो वैसी गेमिंग कर सकते हो ऐसी बात नहीं आती, क्योंकि देखो 10,000 रुपए में ये बजट फोन होते हैं जिनमें आप गेमिंग का मजा ले सकते हो लेकिन उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फिर थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों के साथ अच्छी गेमिंग हो जाए उतना तो काम हो जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।